एक तरफ लश्कर के खूंखार आतंकवादी हैं, दूसरी तरफ हक की लड़ाई के नाम पर खौफ का खूनी खेल खेलने वाले नक्सली हैं। खुफिया ब्यूरो के सूत्रों की माने तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन लश्कर ए तैयबा और भारत के लिए नासूर बनते जा रहे लाल आतंक यानी नक्सलियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। लश्कर नक्सलियों को छापामार हमले के लिए आज के आधुनिक हथियार दे रहा है, तो नक्सली भी लश्कर को बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है छापामार हमला। नक्सल्स ने ओपनली लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट किया है। कश्मीर के जितने भी सेसेशनिस्ट हैं जो भारत से अलग होना चाहते हैं, उन एलिमेंट्स को वो हमेशा से सपोर्ट करते हुए आए हैं। नेपाल के माओवादियों के जरिए ही लश्कर की भारत के माओवादियों से साठगांठ हुई। लश्कर ने यहाँ के माओवादियों को न सिर्फ पैसा और हथियार मुहैया कराया बल्कि ट्रेनिंग भी दी। बदले में यहाँ के नक्सलियों ने उन्हें सुरक्षित पनाह दी। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। अलर्ट जारी होता है और शाम तक नक्सली हमला कर देते हैं। इस लाल आतंक को लेकर सरकार भी सख्ती में है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले और उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी। शाम में पीएम ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक भी की, लेकिन ऐसा लगता है कि नक्सल को लेकर कांग्रेस और सरकार में मतभेद बाकी है। आप कैसे फर्क करिएगा नक्सलाइट और वहाँ के गरीब लोगों को? आप इसके नाम से तो अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ गरीब लोग ज्यादा मरेंगे, आदिवासी लोग ज्यादा मरेंगे वनस्पति के। इसका हल कोई एयर स्ट्राइक या एयरफोर्स नहीं है, ना आर्मी है। बीजेपी को प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब चाहिए और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अब वक्त आ गया है कि इस बहस को इस देश के प्रधानमंत्री जी समाप्त करें। जाहिर है लाल आतंक अब केंद्र सरकार के लिए भी कले की हड्डी बन चुका है। मिर्जापुर से सुमित अवस्थी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। संदेश यात्रा के पहले चरण की आखिरी रैली में राहुल ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई अब सीधे सीधे बीएसपी से है। मिर्जापुर के अहरारा की इस रैली में राहुल ने ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायाराज की सफाई के लिए उतरेगी। राहुल ने दो टूक शब्दों में बीएसपी के साथ किसी तरह के समझौते की संभावना से भी इनकार किया। कोई समझौता नहीं होगा। बीएसपी की सरकार को कांग्रेस पार्टी हराएगी, उत्तर प्रदेश का युवा हराएगा। इस रैली में राहुल ने माया पर तो निशाना साधा ही, मंच पर एक आदिवासी के साथ तीर धनुष चलाकर नक्सल आंदोलन के खिलाफ चल रही मुहिम में कांग्रेस के रुख का भी संकेत दिया। जो संदेश यात्रा कांग्रेस के 125 साल मनाने के लिए शुरू हुई थी, उसका पहला चरण इसी चीज के साथ खत्म हुआ कि हमको उत्तर प्रदेश में बीएसपी को हराना है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सुमित अवस्थी, मिर्जापुर आज तक। अफसल गुरु की दया याचिका की फाइल दबाने के आरोप में भग पिटने के बाद शीला सरकार ने आखिरकार फाइल वापस गृह मंत्रालय को भेज दी है। अफसल गुरु की दया याचिका की फाइल गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को उसकी राय के लिए 2006 में भेजी थी, लेकिन राज्य सरकार के दफ्तर में फाइल धूल चाटती रही। गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक 16 चिट्ठियां भेजकर राज्य सरकार से फाइल पर अपनी राय भेजने को कहा, लेकिन दिल्ली सरकार सोई रही। मामला उछला तो शीला ने कह दिया कि उन्हें कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन अब शीला जी की सफाई सुनिए। देखिए, लेटर्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं, ना मिनिस्टर लिखता है ना मैं उसको रिसीव करती हूँ। लेटर आया और वो फाइल ऑलरेडी केस ऑलरेडी चली गई थी। किसी दया याचिका पर फैसले से पहले राष्ट्रपति गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से राय लेता है और इसी प्रक्रिया के तहत अफसल गुरु की फाइल भी गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार के पास आई थी। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रेल मंत्री ममता बनर्जी की ये झुंझलाहट इस कहावत को सही साबित करती है। रविवार को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, दो लोगों की मौत हुई और कुछ घायल हुए, लेकिन हादसे के दो दिन बाद भी रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर दिक्कत समझने की दरकार नहीं समझी। न तो घटनास्थल का जायजा लिया और न ही घायलों और मारे गए लोगों के परिजनों से सहानुभूति जताई। अब ये बात भला विरोधियों को कैसे हजम हो? ऐसे मौके पर रेल मंत्री के तल्ख तेवर से सीपीएम भी तिल मिला गई है। निशाना अपने मंत्री का कहीं और है, लेकिन पद संभाल रहे कहीं और। ममता कह रही है कि जब संसद का सत्र नहीं है तो वो दिल्ली में क्या करें? शायद ममता भूल जाती है कि वो सिर्फ सांसद नहीं, रेल मंत्री भी हैं। कोलकाता से श्याम सुंदर घोष के साथ आशीष जोशी और अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।